गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज न्यू सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी इन द क्लास 11 बिजनेस स्टडी टाइटल। द फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। ऑल द बिजनेस मैन दे ऑलवेज विल बी बिजी इन देयर एक्टिविटीज। व्हाट दे डू एक्टिविटीज, सम आर बिजी इन द प्रोडक्शंस, प्रोक्योरमेंट्स, सेलिंग्स, एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज दे डू फॉर द बिजनेस। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। So here we learn like economic activities. All the human beings, they do economic activities for their livelihood. All the women, like children, are free from the being economic activities. But all the adult people, their job is to earn for their livelihood. So this is called economic activity. Economic activity means जितने human beings हैं सब अपने अपने कुछ न कुछ अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं उसके हम बोल economic activities करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऑल द प्रोफेशन व्हाट यू पीपल डू दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर व्हाट दे डू फॉर देयर अर्निंग एंड दे कैन लीव ए गुड लाइफ। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी काम, जैसे टीचर जॉब करता है दे आर गेटिंग सैलरी फॉर दैट, डॉक्टर जो है सर्विस देता है दे आर गेटिंग रिमुनरेशन फॉर दैट। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं कि ऐसे काम जो हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं माने जाते हैं, जो काम करते हैं पैसे के लिए, अर्निंग फॉर देयर, नॉट फॉर द अर्निंग मनी, दैट इज फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बात करें, जैसे हाउस मदर है, मदर है, मदर घर के जो काम करती है दे आर कुकिंग एट होम, दैट इज फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो अपनी जो सर्विस जो है फ्री में देती है, अपने फैमिली के लिए काम करती है, दैट इज फॉर नॉन इकोनॉमिक। तो हम लोग बात करें कि ऐसे एक्टिविटीज़ जो हम लोग अर्निंग के लिए करते हैं, अर्निंग फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर लाइवलीहुड, दैट इज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये काम जो होगा ये पैसे के लिए, दे विल नॉट डू फॉर द अर्निंग ऑफ मनी, दैट इज फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन चेंज कर जाता है। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर अगर बच्चे मैच में खेलना, आई पी एल मैच में खेलना, दे विल अर्न मनी फॉर दैट, दैट इज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही क्रिकेटर जो अगर प्रैक्टिस मैच खेलना, दे विल नॉट अर्न मनी फ्रॉम देयर, फॉर द एंटरटेनमेंट पीपल डू, फॉर द चैरिटी वर्क देयर डू, दैट इज फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम लोग बात करें घर पे, जहाँ बच्चे कोई मदर अपने घर पे कुक कर रही है तो दैट इज फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही मदर अगर बच्चे अपने घर पे काम कर रही है, उसको जो है रेस्टोरेंट में वो सामान जो बेच रही है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहाँ से अर्निंग हो जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो खास डिफरेंस है, हम लोग बात करेंगे आज फैक्टर ऑफ इनकम की। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अर्निंग देयर मनी। तो ये पांच तरीके, जितने भी इंसान हैं सारे लोग दुनिया में यही पांच काम करते हैं जिससे अपनी अर्निंग को, अपनी लाइवलीहुड के लिए अपनी अर्निंग करते हैं। तो फैक्टर ऑफ इनकम क्या है, कि लैंड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उनके पास एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलती है, उनके पास लैंड होता है, तो लैंड के बदले में जो रिम्यूनरेशन मिलता है रेंट्स को रेंट, तो लैंड के बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, रेंट के इसमें फॉर्म में उसको पैसे मिलता है, उससे अर्निंग होती है उसकी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास कैपिटल है, बहुत से लोगों के पास पैसे ज़्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं या दूसरे को देता है इंटरेस्ट पे। तो कैपिटल के बदले में जो चीज़ कमाया जाता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करते हैं, बहुत से लोग अपनी अर्निंग के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं या जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट नौकरी करते हैं, तो दे आर गेटिंग फॉर दैट सैलरी एंड वेजेस। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस मैन को प्रॉफिट मिलता है। और ये ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल मीन्स दे आर लर्निंग न्यू सेट ऑफ स्किल्स एंड दे आर अर्निंग मनी फॉर दैट, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफेशनल पीपल। तो दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग इसी मेथड से अर्निंग करते हैं। पहला जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा कि लैंड मिलता है, बहुत से लोगों के पास लैंड है, लैंड के बदले में जो चीज़ मिलता है उसको रेंट बोलते हैं, तो रेंट के फॉर्म में उसकी अर्निंग होती है। बहुत से लोगों के पास कैपिटल होता है, कैपिटल को क्या करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में दूसरे को पैसे देते हैं, उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है। तीसरे लोग ऐसे हैं जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नौकरी करते हैं, नौकरी वाले को सैलरी एंड वेजेस मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में रिस्क लेता है, सारी एक्टिविटीज बिजनेस में करता है, जैसे रेंट, लैंड लेना हो, फैक्ट्री लगाना हो, तो उसके लिए लैंड की जरूरत होगी, उसको रेंट भी देता है, लोग दूसरे से बोरो जो है कैपिटल करता है, उसके बदले उसको इंटरेस्ट देता है, फिर लोगों को हायर करता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट लोगों को देता है, उसके बदले में सैलरी नहीं देता है। तो बिजनेस में सारे रिस्क लेता है, उसके बदले में जो कमाता है उसको प्रॉफिट मिलता है।
जो लास्ट हम लोग बात करें पाँचों में प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशन क्या कि जो है इसके लिए खास जो है स्किल सीखी जाती है, जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो क्या होता है एक डिग्री मिल जाती है, उससे जो है मालूम जाता है कि इज मास्टर इन डैट वन एंड ही नोज द सच काइंड ऑफ स्किल्स। तो दैट इज कॉल्ड स्किल। स्किल जो लर्न करेगा तो एजुकेटेड पीपल वांट टू बिकम प्रोफेशनल, दे लर्न न्यू सेट ऑफ स्किल्स एंड दे आर अर्निंग फॉर देयर। तो स्किल से बहुत लोग कमाते हैं एंड दे आर गेनिंग सर्विस, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, फैशन डिजाइनर हो गया, तो इन आउट ऑफ प्रोफेशन दे डू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड दे आर अर्निंग मनी फॉर देयर। तो दुनिया के सारे लोग जो है कमाने का जो जरिया है, कमाने का जो मीन्स है, यही सारे मेथड है लैंड कैपिटल एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन। और उसके बदले में जो मिलता है रेट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी एंड वेजेस मिलता है और प्रॉफिट होता है। और प्रोफेशन अपने जो है स्किल को नया नया स्किल सीखते रहते हैं, डेवलप करते हैं और उसके बदले वो अर्निंग करता है। आज हम लोग जो बात करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस जो होता है बिजनेस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, द वन इज इंडस्ट्री, अदर इज कॉमर्स। इंडस्ट्री में बात करेंगे इंडस्ट्री जो है हम लोग क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्री होता है प्राइमरी इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जो नेचर की तरफ से जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जो नेचर की तरफ से मिलता है उसको हम लोग प्राइमरी रिसोर्सेज करते हैं। जैसे हम लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गन्ना बोलते हैं, गन्ना जैसे गन्ने से हम लोग गन्ना प्रोडक्शन खेती होता है, ये प्राइमरी सेक्टर से वहाँ होता है। वही गन्ना अगर से जो आप कही है तो कहाँ चला जाएगा, अगर फैक्ट्री में चला जाएगा तो उससे जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस होगा, उससे ये करके क्या करते हैं उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर जो शुगर मिल में शुगर जो है बना दिया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है। तो जो सेकेंडरी है जहाँ प्राइमरी जो नेचर से मिलता है, सेकेंडरी जब वो प्रोसेसिंग हो जाता है, फैक्ट्री में जाता है, सेकेंडरी सेक्टर बन जाता है, वही फिर सेल होने लगता है, सर्विस दिया जाता है सेक्टर। तो ऐसे जो है प्राइमरी सेक्टर बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई माइंस वगैरह भी जो है प्राइमरी सेक्टर बनता है, जो भी नेचर से मिलेगा वो प्राइमरी सेक्टर में हो गया। और उसके बाद जो भी ह्यूमन बींग मैनमेंट है प्रोसेसिंग वगैरह होता है, उसके बाद फिर जो सेल किया जाता है उसको टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शिप से क्या करते हैं, उल मिलता है तो नेचर की तरफ से मिलता है, तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर हो गया। उसको जेनेटिक बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल जो है एनिमल है तो एनिमल से बहुत अच्छा हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल हम लोग शिप का, शिप से हम लोग उल प्राप्त करते हैं और उस उल का क्या करते हैं हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, उसको मिल्स में ले जाया जाएगा, उसके स्वेटर बनेगा और उसको फिर जो सेल किया जाएगा लोगों को अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर ऐसे ही होता है। तो प्राइमरी में एक एक्सट्रैक्टिंग होता है, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे हम लोग माइंस वगैरह नीचे से निकालते हैं, जैसे कोयला हो गया, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग आयरन ओर हो गया, जैसे जो है प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, उसकी फिर प्रोसेसिंग होती है, मैनुफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन जो भी काम होता है, सेकेंडरी में प्रोसेसिंग होता है, फैक्ट्री में जाता है, फिर उसके बाद दर्शनी लोगों को यूज़ के लिए भेजा जाता है। तो ये सारे जो है ये होते हैं। जेनेटिक जो होता है सेकेंडरी में, तो यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादातर सर्विस होती है, लोगों को जो है अपने नीड को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेल करता है, तो उसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर में जो है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में आता है। फिर हम लोग कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स भी दो तरह के होते हैं, ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग ट्रेड का बात करेंगे तो एक्चुअली कॉमर्स हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं तीन तरह की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कॉमर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो पिच हम लोग क्या करते हैं मार्केट में सेल करना, खरीदने या बेचने को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। कोई चीज़ गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वी सेल आप बाई द मार्केट एंड कॉमर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का काम होता है, या तो हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड में हम लोग बेचते हैं, व्यापार करते हैं, और उसमें जो है उसी के पार्ट है अपोजिट ट्रेड, जहाँ ट्रेड का काम चलने लगता है, कोई चीज़ जो है प्रोडक्शन होने लगता है, ट्रेडिंग होने लगती है उसकी, तो ऑटोमेटिक ऑब्जिट बोलते हैं, तो ट्रेड में सहायक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ट्रेड में हम लोग दो तरह करते हैं, या तो ट्रेड हम लोग इंटरनल करते हैं या एक्सटर्नल करते हैं। इंटरनल मीन्स हम लोग क्या करते हैं अपने बॉडी करते हैं, या तो होलसेल का काम होता है या रिटेल करता है, तो प्रोडक्शन होता है, उसको प्रोडक्शन करने के बाद उसकी ट्रेडिंग होती है, कॉमर्स उसको बेचा खरीदा जाता है। तो हम लोग बात करें कि इंडस्ट्री में जो भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में सब काम होता है कि कॉमर्स उसको बेचना खरीदना होता है, तो ट्रेड में हम लोग इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं होलसेल का काम करते हैं, जो सामान बन जाता है उसको होलसेल में बेचते हैं, या तो रिटेल जो है कंज्यूमर को डायरेक्ट पहुँचाते हैं, डायरेक्ट रिटेल, इंटरनल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड हम लोग क्या करते हैं अपने बाउंड्री के बाहर, अपने देश के बाउंड्री के बाहर अगर जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। तो बाहर बहुत से लोग इम्पोर्ट करते हैं, बहुत से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ऑब्जिलरी ट्रेड में क्या होता है, अगर कोई भी ट्रेड बिजनेस शुरू हो जाता है, बिजनेस सेटअप हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये सारे बिजनेस ऑब्जिलरी ट्रेड होता है, यानी सहायक होता है। जैसे आपने यहाँ पे कार मैनुफैक्चरिंग कंपनी खोला, यहाँ पे मैंने नया नया बोला, ये जो है उसके लिए क्या होगा, अभी वहाँ पर मैनुफैक्चरिंग हो रहा है तो ऑलरेडी वहाँ से ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड जो भी एक्सपोर्ट होगा या इम्पोर्ट होगा, या हम लोग अपने मार्केट में बेचेंगे। तो अभी ट्रेड में ऑटोमेटिक बहुत से ट्रांसपोर्ट कंपनी वहाँ पर डेवलप करेंगे, अब सामान लगा रहे हैं
कर जाएगी। तो ट्रेड में आप एंट्री तो ट्रेड कहलाती है, ट्रेड शुरू होता है, ये सारे सपोर्ट में बहुत सारे बिजनेस शुरू हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसे ट्रक की, लॉरी की, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कि वेयर हाउसिंग, बहुत से सामान जो बनाते हैं प्रोडक्शन करते हैं और उसको रखने के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, तो बहुत सी कंपनी क्या करेगी, वेयर हाउसिंग के लिए लैंड लेकर वेयर हाउस बनाएगा जहाँ पे अपना फाइनल गुड्स वहाँ पे रख सकते हैं, उसको भी वेयर हाउसिंग बोलते हैं। ये बिजनेस ऑटोमेटिक, ये बिजनेस से ये सहायक बिजनेस ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। वेयर हाउसिंग बिजनेस लोग वेयर हाउस बना के कंपनी को देती है, उसके बदले में रेंट पे दिया जाता है। बहुत सी इंश्योरेंस की कंपनी चली जाएगी, जैसे मैनुफैक्चरिंग कार हो रहा है तो कार खरीदना बेचना हो रहा है, तो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे जाएगी, इंश्योरेंस के लिए एक करेगी, लिमिट रिलीज होगा और इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं आप। इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और वहाँ पर डेवलप करेगी। फिर बैंकिंग सेक्टर भी वहाँ पे चली जाएगी, बैंक वाले भी क्या होगा, बैंक वाले भी कंपनी है, कंपनी को लोन लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सब कुछ जो है लोगों को लोन चाहिए, तो बैंकिंग सेक्टर भी वहाँ पे जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस डेवलप हो जाएगा। फिर अगर बात करें एडवर्टाइजिंग, एक कंपनी होती है एडवर्टाइजिंग वाले भी जाएंगे कि जिसके लिए जो है कंपनी उसको जो है एडवर्टाइजिंग करे, उसका काम बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो हम लोग बात करें कि बिजनेस में सिर्फ एक बिजनेस शुरू होने से इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री को चिल्ला जाती है, तो सिर्फ कॉमर्स में बेचने खरीदने के लिए बहुत सी ट्रेडिंग हो जाती है। तो जहाँ ट्रेडिंग होता है तो हम लोग बात करें कि उसमें साथ साथ ऑक्सीजन को ट्रेड शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीजन को ट्रेड में ही 5 कंपनी आती है जो वहाँ पर एग्जिस्ट करने लगती है और जो है बिजनेस डेवलप करती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन सहायक हाउसिंग कंपनी शुरू हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी जाएगी, एंड बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी जाएगी। ये सारे बातें हम लोगों ने इसमें देखा। तो इस क्लास का जो फर्स्ट लेसन भी यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना था, इसमें हम लोग क्या पढ़ा कि जो भी लोग हैं सबसे पहले लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए लोग अर्निंग करते हैं, तो जो अर्निंग के लिए काम करेगा इससे प्रॉफिट कमाएगा, जिससे अपने जीवन यापन ठीक किया जाए, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। जो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे पैसे नहीं कमाए जाए, लोग चैरिटी के लिए काम करें, लोग इंटरटेनमेंट के लिए काम करें, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। जैसे कोई क्रिकेटर जो है क्रिकेट खेला तो जो है मैच में खेला तो उसको पैसे मिला तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाया। कोई क्रिकेटर अगर इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा अपने जो है मैच खेला या डांसर जो है अगर कोई जो है परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर, तो उसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसके लिए उसके बदले उसको पैसे मिलेगा। अपने प्रैक्टिस कर रहा लोगों इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। कोई मदर अपने घर में खाना बना रही तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। कोई नर्स जो है अपने हॉस्पिटल में काम करे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। वही नर्स अगर से घर में फ्री लोगों का जो है चैरिटी के लिए काम करे तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही सारे बात हम लोगों ने इसे सीखा। फैक्टर फिर कम हम लोग देखा कि लोग कैसे कमाते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कमाने का जरिया यही, देर आर 5 मेथड्स 5 मीन्स थ्रू विच पीपल आर अर्निंग। बहुत से लोग पास लैंड होता है, लैंड या बिल्डिंग होता है, उसके बदले में रेंट मिलता है, रेंट के फॉर्म में कमाते हैं। बहुत से लोग पास कैपिटल होता है, कैपिटल को देने के बाद उसको इंटरेस्ट मिलता है। बहुत से लोग लेबर या एम्प्लॉयमेंट करते हैं, मजदूरी या नौकरी करते हैं, उसके बदले में सैलरी एंड वेजेस मिलते हैं। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस मैन जो रिस्क लेता है, रिस्क के बदले में उसको प्रॉफिट मिला करता है, प्रॉफिट के फॉर्म में कमाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल दे बिकम प्रोफेशनल, तो जो है सेट न्यू सेट ऑफ स्किल सीखता है, जिसके बदले में उसको जो है अर्निंग होती है। तो ज़्यादा जो प्रोफेशनल लोग क्या होते हैं, ज़्यादा अर्निंग करते हैं, उसके लिए सर्विस दिया करते हैं, क्योंकि जितना उसके अंदर न्यू लर्निंग होगा, जितना उसके अंदर नॉलेज होगा, न्यू स्किल्स दे कैन अर्न मोर मनी फ्रॉम देयर। ये सारी बात करें लोग बिजनेस में, हम लोग बात करें बिजनेस दो तरह होते हैं, एक इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग प्राइमरी सेक्टर का बात करें, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग बात करें जो हमें नेचर से मिलता है जो चीज़ें, उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस कर देंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, और उसको जो कंज्यूमर के नीड के लिए हम लोग वहाँ पे कंज्यूमर के पास पहुँच जाएगा तो टर्शियरी सेक्टर में आता है। फिर हम लोग ने कॉमर्स का बात किया कि कॉमर्स में या तो ट्रेड होता है, एक ट्रेड जब शुरू हो जाता है, एक बिजनेस शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री लग जाती है, तो ट्रेडिंग उसका खरीदना बेचना हो जाता है, या तो इंटरनल ट्रेड होता है या तो एक्सटर्नल ट्रेड होता है। आप फिर हम लोग देखा कि एक ट्रेडिंग होती है उसके साथ साथ ऑक्सीजन टू ट्रेड हो जाता है, यानी बहुत सारे सहायक जो कंपनी जो है बहुत सारे सहायक ट्रेडिंग होने लगते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी खुल जाती है, वेयर हाउस कंपनी खुल जाती है, इंश्योरेंस की कंपनी खुल जाती है, बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर डेवलप हो जाता है, एडवर्टाइजिंग कंपनी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इतना ही पढ़ा कॉन्सेप्ट में। इन द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल लर्न समथिंग मोर, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सो ओके, हैव ए नाइस।